अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरत से होंगे। तो वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहे। मैं आज आपको विंदर का इलाका दिखाना चाहता हूँ जो सरसब्ज है और यहाँ पर चक्कू के बागात होते हैं अक्सर। तो हम यहाँ पर आए हुए अपने दोस्तों के साथ हमारे साथ हैं। बहुत ही अच्छा मौसम है और हम निकले हैं शेडू ने और शिकार करने भी निकले हुए। तो वीडियो में आप हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, देखते रहें। यहाँ पर जो है गर्मी के मौसम में शहद भी होते हैं। मैं खुद यहाँ निकल चुका हूँ अपने हाथों से शहद कई मरतबा। तो बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है और वीडियो देखते रहें। मैं हूँ और मेरे साथ मेरे मामू का लड़का और मामू है, ये अब्दुल्ला जान भाई है। देखते हैं आज ये हमारे लिए कौन से शिकार मारते हैं और क्या शिकार करता है। तो इसके पास तो बंदूक तो हाथ में पकड़ा हुआ है, शिकार करने निकला हुआ है क्योंकि यहाँ पर जंगल है, जो नीचे इलाके में जंगल है वहाँ पर खरगोश पाए जाते हैं। खरगोश मिलते चकोर होता है और ये तीतर वगैरह होते हैं। तो देखते हैं आज हमें क्या मिलता है और अब्दुल्ला जान भाई हमारे लिए क्या शिकार करता है। बहुत ही प्यारा मौसम है तो हम निकले हुए शिकार के लिए। देखते हैं अब्दुल्ला जान भाई हमारे लिए कौन सा शिकार करता है। तो आप हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे नए वीडियो के लिए। څنګه دې چې شېمه خوده ول دی خو نه یار دا دې یو شاتسته ورته ګوره وځه ټاک په ټاک ما په کواله کدا دا دې کله لمړ د خپل څکارا کې دا شاتسته نه غل دې دې اس نه یو دې مست دې شاتسته په دې کان کې ده دا به ان شاء الله یو داس په دنا به کې دا څه په نه لګي دا څه کوي بس وکنه शिकार वो कसम शिकार अपीदर दालूजी। तो गैज हम देखते हैं इन जाड़ियों में भी अक्सर शेत होते हैं, तो यहाँ पर भी हम ढूंढते हैं। कुछ अक्सर इस तरह जड़ियों में शेत होते हैं। तो गैज आप हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहें, हम आपको दिखाता है कि शेत किस तरह निकलते हैं। जो कि शेत उसको अक्सर हल्की सी धुआँ दिया जाता है। ये देख रहे हो आप शेत माशाल्लाह बहुत बड़ा है, लेकिन इन दिनों में इतना ख़ास इसका मौसम नहीं है। फिर भी हम देखते हैं शेत शेत है। बच्चे से निचले हिस्से में उनके बच्चे होते हैं, पर इसी में शेत होता है। ये जो धुएँ से जल्दी उठता है। फिर बहुत से ऐसे शेत होते हैं जो बंदे को काटता है, लेकिन जब उसको थोड़ा सा हल्का धुआँ दे दो तो वो नहीं, ये नहीं लगता है, फिर काटते नहीं। देखना मैं इसको अभी उड़ाता हूँ, ये सारे मक्खियाँ उड़ेंगे तो उसको शेत को मैं निकलता हूँ। देखो उड़ चुके हैं, बहुत सारे मक्खियाँ उड़ चुके हैं। और मज़ी जब सारे मक्खियाँ उड़ जाते हैं तो फिर इसको काट देते हैं लकड़ी के साथ, लकड़ी इसका काट देता है, निकालता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कुछ मक्खियाँ होते हैं जो काटते हैं कभी कार। ये देखो ये ऊपर वाला हिस्सा इसका शेपता है। तो ये ऐसा लकड़ी है कि ये दांतों को साफ करने के लिए भी होता है, जो कि मसवाक के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये इसका हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा सर देखो, ये शेत का। देखो 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 ये देखो शेत है, बिल्कुल खालिश शेत है। बंदे को अपने हाथों से निकाला होता है, ये देख देख ये ऊपर हिस्सा सारा शेत का है।